और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। आंध्र प्रदेश में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन विशाखापट्टनम से, ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर रायगढ़ पैसेंजर से टकरा गई थी ट्रेन, जिसमें 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 29 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो पूरा हादसा हुआ है ये विजयनगरम जिले के पास में हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा हो गया जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। तो तस्वीरें आप देखिए, ये 2 तस्वीरें, आंध्र प्रदेश में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया जिसमें 9 लोगों के मौत की जानकारी मिली है। और साथ ही आपको बता दें कि 29 लोग इसमें घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो कंकटपट्टी के बीच में हादसा हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने रेल मंत्री ने हादसे को लेकर जानकारी भी ली है। केंद्र सरकार ने रेल हादसे में जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपए और जो मामूली रूप से घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। और अब खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में मोबाइल लूट, पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल पीड़िता का इलाज चल रहा है। पुलिस ने मोबाइल लूट के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से लूटा हुआ मोबाइल और अवैध असला बरामद हुआ है। आपको बता दें कि घटना शनिवार की है। गाजियाबाद में बीटेक की छात्रा के साथ में मोबाइल लूट की घटना की कोशिश के दौरान में बदमाशों ने उसे धक्का देकर गिरा दिया, जिससे कि छात्रा सिर के बल सड़क पर गिर गई। इस हादसे में छात्रा के सिर में चोट आई और मसूरी थाना पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया था। और साथ ही पीड़िता एबीएस कॉलेज की छात्रा थी। ये घटना उस वक्त हुई जब छात्रा अपने दोस्त के साथ में हापुड़ जा रही थी, तभी डासना फ्लाईओवर के पास में बाइक सवार बदमाशों ने उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की और छात्रा ने विरोध किया तो उसे धक्का दे दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में अमित राणा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या अपडेट है पूरे मामले में? जी, आपको बताना चाहूंगा, शुक्रवार की यह घटना है जब बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा, जो कि रोजाना की तरह पढ़ने के बाद अपने घर हापुड़ की तरफ जा रही थी ऑटो से, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसे मोबाइल लूटने का प्रयास किया, जिसका छात्रा द्वारा विरोध किया गया था। उस दौरान मोबाइल लूटने के बाद जो बदमाश है उन्होंने छात्रा को चलते ऑटो से धक्का दे दिया था, जिसके बाद से ही लगातार छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा था और कल देर शाम छात्रा की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। हालांकि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन उससे बड़ा मामला ये आता है कि जब छात्रा के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया तो जो गाजियाबाद पुलिस है वो इस मामले को टरकाते हुए नजर आई थी। मामला हापुड़ का बताते हुए अपना पल्ला झाड़ रही थी, लेकिन जब हापुड़ पुलिस द्वारा कहा गया कि छात्रा बेशक ही रहने वाली हापुड़ की है लेकिन जो घटनास्थल है वो गाजियाबाद का है, तो गाजियाबाद पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया था और इसके बाद अगले ही दिन इसमें एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वहीं दूसरी ओर कार्य में लापरवाही बरतने के चलते मसूरी एसएचओ को लाइन हाजिर भी कर दिया गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहां महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, जहां हमेशा ये कहा जाता है कि छात्रा को पढ़ाओ, इस तरह की वारदात खुलेआम होती है और पुलिस इस मामले को टकाने की कोशिश करती है। यही कारण भी रहा कि बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और लूट के दौरान ही उसके साथ उसे धक्का-मुक्की दी गई, जिसके चलते रोड पर गिर गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। अब परिवार इस बात को लेकर सदमे में है, वही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात भी परिवार। तो एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर यह भी कि लड़की की मौत हो गई है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। गाजियाबाद में आज से बीजेपी के विस्तारकों की बैठक होगी। 2 दिन चलने वाली इस बैठक में सभी विस्तारकों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के सभी लोकसभा के लिए बनाए गए केंद्रीय विस्तारकों को बुलाया गया है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के 3 जिलों मिर्जापुर, प्रयागराज और अमेठी का दौरा करेंगे। सीएम योगी सबसे पहले मिर्जापुर दौरे पर पहुंचेंगे और तय कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 10:45 पर उनका हेलीकॉप्टर विंध्यवासिनी मंदिर के पास में हेलीपैड पर उतरेगा। सुबह 10:50 पर मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचेंगे और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। 11:20 से 12:20 तक कई विभागों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और उसके बाद में नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 12:25 पर अस्थायी हेलीपैड से सोराव प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज दिन भर क्या कुछ स्केड्यूल रहेगा वो आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो आज सीएम 3 जिलों का दौरा करेंगे और कई बड़े ऐलान भी इस दौरान कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर से प्रयागराज पहुंचेंगे। सीएम योगी दोपहर करीब 1:30 यहां पर पहुंचेंगे। करीब 1 घंटे तक सीएम योगी प्रयागराज में रहेंगे और प्रयागराज को 3,800 करोड़ से ज्यादा के 429 परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी स्वयं सहायता समूह की 6 महिलाओं को चेक सौंपेंगे जबकि 4 लाभार्थियों को आवास की चाबी भी देंगे। प्रयागराज में अनुसूचित जाति के महासम्मेलन को संबोधित करेंगे और फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के सोराव विधानसभा में मेवालाल अयोध्या प्रसाद इंटर कॉलेज मैदान में भाजपा काशी क्षेत्र के अनुसूचित जाति महासम्मेलन में भी शामिल होंगे और बीजेपी के संगठनात्मक 16 जिलों को 71 विधानसभाओं के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। मिर्जापुर और प्रयागराज के दौरे के बाद में सीएम योगी अमेठी के दौरे पर पहुंचेंगे। दोपहर करीब 2:45 पर अमेठी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और त्रिसुंडी के कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे और अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी, प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव समेत बीजेपी के कई नेता और विधायक इसमें शामिल होंगे। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।